हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूसीसी। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अब तक एसएससी सीजीएल में पूछे गए क्वेश्चंस के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एसएससी अपने न्यू एग्ज़ाम या अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए 85% क्वेश्चंस, कम से कम 85% क्वेश्चन जो होता है वो प्रीवियस एग्ज़ाम के क्वेश्चंस पेपर में से ही लेता है। आप चाहें तो जो एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम होता है 2016 पे, वो एग्ज़ाम ऑनलाइन हुआ था, लेकिन उसका पीडीएफ आज भी गूगल ड्राइव पर किसी न किसी की वेबसाइट पर अवेलेबल है। आप उसे डाउनलोड कर लीजिए, मे बी आपके डेस्कटॉप पे आज भी वो सेव हो। तो उसके क्वेश्चंस को आप बड़े ध्यान से देखिए और प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चंस हुए थे एसएससी के, उनके साथ उसको टैली करेंगे तो आप पाएंगे कि 85-90% क्वेश्चंस आपके प्रीवियस एग्ज़ाम में से ही पूछे गए थे। तो ये एक पैटर्न है एग्ज़ाम को डिज़ाइन करने का एसएससी डिपार्टमेंट का। अगर बात करें एसएससी एमटीएस की, तो एसएससी एमटीएस में आप देखेंगे कि अभी जो हाल ही में एग्ज़ाम हो रहे हैं, अगर उसकी आप जीके की बात करें तो उसमें भी सेम ही कंडीशंस अप्लाई होती है। तो ये एक बुक है जिसके बारे में मैं आज आप सभी के सामने डिस्कस करूंगा। इस बुक का नाम है घटना चक्र। ये बुक काफ़ी मोटी बुक है, अगर एग्ज़ाम आपका काफ़ी नियर है तो हो सके तो इस बुक का परचेस कर लीजिए और एक टारगेट बेस स्टडी करिए। इस बुक को छोटे छोटे चंक में डिवाइड करिए और इस पूरी बुक को फिनिश करें। ये बुक है कम्प्लीटली एसएससी एस्पिरेंट के लिए, एसएससी स्टूडेंट के लिए। इसमें जीएस का एक संकलन करा गया है, एक जीके के सभी क्वेश्चंस को एक तरह से सही तरीके से मर्ज करा गया है और इस बुक के माध्यम से ये बताया गया है कि किस क्वेश्चंस की इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है। जिस बच्चे का सीपीओ का एग्ज़ाम है तो समय बहुत कम बचा हुआ है, अगर आपका एमटीएस का एग्ज़ाम अभी होने वाला है, हुआ नहीं तो तब भी आपके लिए समय काफ़ी कम है। अगर मैं बात करूँ एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम की, तो वो भी एग्ज़ाम अगस्त में होने वाला है, मात्र आपके पास टाइम बचा है 60 दिन या 70 डेज। तो इतने कम समय में कैसे स्टडी करी जाए, तो केवल एक ही सॉल्यूशन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आ चुके हैं उस पर फोकस करा जाए। इस चैनल पे आपको इस बुक से संबंधित काफ़ी सारी वीडियो मिलेगी, आप उसके माध्यम से स्टडी भी कर सकते हैं, अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। अगर आप इस बुक को परचेस कर कर स्टडी करना चाहते हैं तो आपके नियर जो भी मार्केट है वहाँ पे जाके आप इस बुक के बारे में पता कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं डिस्क्रिप्शन में आपको इस बुक का लिंक दूंगा, आप वहाँ से भी परचेस कर सकते हैं। यू हैव 3 ऑप्शन, 1 मार्केट, 2 ऑनलाइन परचेज एंड 3 वीडियो के माध्यम से। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। देखिए पार्ट 3 जो है, इसमें बताया गया है कि सांस्कृतिक और सामाजिक सुधार के बारे में, सांस्कृतिक और सामाजिक सुधार के बारे में जो भी चीज़ मैंने हाईलाइट कर रखी है, आपको केवल उस आंसर पर फोकस करना है कि इसका आंसर क्या है। आपको अदर ऑप्शन ए बी सी डी में जाकर के आपको कन्फ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, पहली बात तो ये कि केवल आपको डायरेक्ट फोकस करना है आंसर पर, कि इसका आंसर क्या है, केवल उसको पेन डाउन करना है, उसको याद करना है। जैसे घर में एक छोटा सा बच्चा होता है, छोटे से बच्चे को अगर आपने ये सिखाना है कि ट्यूबलाइट क्या है, तो आप उसको डायरेक्ट ट्यूबलाइट की ओर इशारा करते हैं, आप उसको ये नहीं दिखाते 4 ऑप्शन कि घर में टीवी है, देखो वो टीवी है, वो फैन है, वो ट्यूबलाइट है, और वो क्या है, वो वॉच है, वॉल वॉच है। आप उसको 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन नहीं सिखाते हैं, आप डायरेक्ट फोकस करते हैं केवल एक ऑप्शन में कि क्या ट्यूबलाइट है, उसकी तरफ उसको इशारा करते हैं कि ये ट्यूबलाइट है, बच्चे इसको ट्यूबलाइट बोलते हैं, उसके बारे में उसको बताते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से आपके पास समय बहुत कम है, आप अपने ऑप्शन पे फोकस मत करिए कि क्या दिया था उसने, आप केवल क्वेश्चन रीड करिए, डायरेक्ट उसके आंसर क्या है उसके बारे में पता रखिए। ठीक है, देखिए आर्य समाज किसके विरुद्ध था, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछ लेता है। ठीक है, आर्य समाज किसके विरुद्ध था, हमसे ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछ लेता है, और ये क्वेश्चंस आप याद रखिए कि ये किसके विरुद्ध था, ये था धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा के। अब उसके बाद एक बात करते हैं हम लोग कि स्वामी दयानंद सरस्वती कौन थे, 1875 में क्या हुआ और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। ठीक है, अब देखिए आर्य समाज के जो संस्थापक थे वो थे स्वामी दयानंद सरस्वती।
और आर्य समाज की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1875 ईस्वी में मुंबई में। अब ये जो ग्रीन पेन से हाईलाइट कर रखा है इस सेंटेंस को पूरा रीड करेंगे, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 ईस्वी में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना हुई। अगर आप केवल इस पूरी लाइन को अपनी नोटबुक में लिख लेते हैं तो इस यहाँ पे हमको तीन चीज़ क्लियर हुई, क्या आर्य समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती इसके संस्थापक थे, कब हुई थी इसकी स्थापना हुई थी 1875 में, और कहाँ पर हुई थी, मुंबई में। एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चंस की लैंग्वेज घुमा करके हमसे पूछ लेता है कि जैसे आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, तो हमको पता होना चाहिए स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी, 1875 में, कहाँ पे हुई थी, मुंबई में। एक एक क्वेश्चंस में से तीन क्वेश्चंस बन के हमारे सामने आ गए। और अगले साल नेक्स्ट ईयर जब भी एग्ज़ाम वो कंडक्ट करेगा, जब भी वो पेपर डिज़ाइन करेगा, तो लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज कर देगा। तो इसलिए अगर लैंग्वेज चेंज होती है तो आपको कन्फ्यूज होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। बढ़ते हैं फिलहाल क्वेश्चन नंबर टू की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर टू हमसे क्या कहता है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज 1875 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया। देखिए क्वेश्चन नंबर वन में हमने अभी पता करा था मुंबई में इसकी स्थापना हुई थी और 2000 में वो एग्ज़ाम हुआ था। अब एसएससी मैट्रिक स्तरीय एमटीएस एग्ज़ाम 2000 में उसने क्वेश्चंस को थोड़ा सा उसकी लैंग्वेज चेंज कर दी। तो हमारे पास ये स्किल्स होनी चाहिए कि हम किसी भी क्वेश्चंस को रीड करते हैं तो किस तरह से वो क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है। मुझे लगता है कि आप बच्चे नहीं होंगे, आपको इतनी डिटेल में ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो एमटीएस का एग्ज़ाम देते हैं तो उनको सामने अगर एग्जामिनेशन हॉल में वो लोग बैठते हैं और लैंग्वेज चेंज करके उनके सामने क्वेश्चंस प्रेजेंट कर दिया जाता है तो वो क्वेश्चन अटैम्प्ट करके नहीं आते, क्योंकि एग्ज़ाम का और एग्जामिनेशन हॉल का जो एक स्ट्रेस होता है वो सबका अलग अलग होता है। हो सकता है कि आप कंफ्यूज ना होते हो, लेकिन कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर टू में कितना इजी पूछा गया था, लेकिन अगर हमने ध्यान से पढ़ा होता तो हमको याद होता मुंबई। तो इसका राइट आंसर क्या है, मुंबई। उस एक सेंटेंस को जो हाईलाइट करा गया था अभी ग्रीन पेन से क्वेश्चन नंबर वन में, वो क्वेश्चन जो हाईलाइट करा गया है केवल उसको आप याद कर लेते हैं तो आप अभी क्वेश्चन नंबर टू का आंसर दे पाते। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री की ओर। क्वेश्चन नंबर थ्री थोड़ा सा चेंज हो गया। क्वेश्चन नंबर थ्री हमसे कह रहा है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी। देखिए सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि राम और कृष्ण एक भगवान थे और दोनों के अंदर क्या था, विवेक। तो राम और कृष्ण अगर ये मिशन था तो ये इसकी स्थापना करी थी विवेकानंद ने। याद रखिएगा राम और भगवान कृष्ण दोनों ही क्या थे, विवेकफुल थे, उनके अंदर क्या था, बहुत ही विवेकशील थे। तो राम कृष्ण मिशन से आप याद करेंगे विवेकानंद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर, और उससे पहले देखिए ग्रीन पेन से हाईलाइट कर रखा है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी, ये हुई थी 1896 में, 1896 में। और कहाँ पे हुई थी, ये हुई थी वल्लूर में, किसने करी थी, स्वामी विवेकानंद ने। क्वेश्चन नंबर फोर, अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम कब बनाया, भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया और किसने बनाया। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज इसको ध्यान दीजिएगा। तो अब हम पढ़ते हैं फिलहाल 1835 में जो हुआ, भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था कि हाँ अंग्रेजी भी शिक्षा का एक माध्यम होगी, हिंदी तो थी थी साथ में इंग्लिश भी होगी, ये हुआ डिसाइड 1835 में। और अब हम पढ़ते हैं भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने में लॉर्ड मैकाले का महत्वपूर्ण योगदान था, किसका था, लॉर्ड मैकाले का। तो आप ये याद रखिएगा लॉर्ड मैकाले। कभी कभी हमसे पूछ लेता है कि भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम किस लॉर्ड ने बनाया, किस गवर्नर ने बनाया, कुछ भी पूछ सकता है, तो आप याद रखिएगा लॉर्ड मैकाले। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव की ओर। देखिए बुनियादी शिक्षा को, शिक्षा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत करा, ठीक है। बुनियादी शिक्षा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत करा, ये करा था महात्मा गांधी ने, और कहाँ पर, ये करा था वर्धा योजना 1937 में, ठीक है।
एग्ज़ाम में आपसे ये भी पूछ सकता है कि महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा का विचार सबसे पहले किस योजना के अंतर्गत प्रस्तुत करा। तो आपको पता होना चाहिए 1937 में वृद्धा योजना। तो इस योजना का नाम आप याद रखेंगे, वृद्धा योजना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन था? अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक थे सर सैयद अहमद खान। और इनसे संबंधित एक छोटी सी बात और कि इन्होंने 1865 ईस्वी में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना करी थी। ये क्वेश्चंस भी एग्जाम में कई बार पूछ लेता है कि उन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना कब करी थी। तो इसका राइट आंसर होगा 1865 ईस्वी में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7। अलीगढ़ में मोहम्मदन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? ये स्थापना करी थी सर सैयद अहमद खान ने। क्वेश्चन नंबर 8, सर सैयद अहमद खान के विषय में क्या सत्य नहीं है, क्या सच नहीं है, उसके बारे में हमको पता करना है। देखिए एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन आपको नहीं को लेके जरूर पूछेगा, क्या सत्य नहीं है, क्या नहीं है, कुछ भी लैंग्वेज पूछ सकता है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पूछ रहा है क्या सत्य नहीं है। देखिए उन्होंने अलीगढ़ में मोहम्मदन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना करी है, प्रारंभ किया है। ये क्वेश्चन सही है, ये ऑप्शन सही है, ये गलत नहीं है। ऑप्शन बी, वह मुस्लिम लीग के एक नेता थे, ये गलत है। वो मुस्लिम लीग के कभी भी नेता नहीं रहे थे, तो ये क्या है हमारा रॉन्ग। बात करते हैं, देखिए अब थोड़ा सा इसकी डिटेल में हम लोग इसके कुछ फैक्ट जानते हैं कि सर सैयद अहमद खान की मृत्यु कब हुई थी, 1898 में, जबकि मुस्लिम लीग का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1906 में। देखिए आपसे एग्जाम में कभी कभी ये पूछ लेता है कि मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था, आपको चार ऑप्शन देगा, 1906, 1907, 1908, 1909। तो आपको याद रखना है 1906, जब उनकी मृत्यु 1898 में हो गई थी, तो मुस्लिम लीग का गठन उनके बाद हुआ था 1906 में, तो इसके ये नेता नहीं हो सकते। ठीक है, पहली बात तो ये कि ये इसके नेता नहीं हो सकते। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं कि नए भारत का पैगंबर किसे माना जाता है। तो इसका राइट आंसर है राजा राम मोहन राय, और इनको भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहते हैं। एग्जाम में आपसे पूछेगा कि भारतीय पुनर्जागरण किसे माना जाता है, पिता किसे माना जाता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 में आप देख रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है या फिर पिता कहा जाता है। तो चार ऑप्शन आपको देगा, तो इसका राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है इसका ए। और उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9, नए भारत का पैगंबर भी किसे बोलते हैं, राजा राम मोहन राय को। यहाँ से एक क्वेश्चन से हमारे दो क्वेश्चन क्लियर हो गए। निम्नलिखित में से 19वीं शताब्दी के भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन का अग्रगामी कौन था? सबसे आगे सामाजिक सुधार आंदोलन में कौन सा व्यक्ति रहा था 19वीं शताब्दी में? तो उनका नाम है राजा राम मोहन राय। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। देखिए इन्होंने क्या करा था, राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह का विरोध किया था और उसका अंत करवाया था। इन्होंने 1828 ईस्वी में ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी। इन्होंने 1828 ईस्वी में ब्रह्मा समाज की स्थापना करी थी। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए हमसे पूछ रहा है कि ब्रह्मा समाज का संस्थापक कौन था, राजा राम मोहन राय। और ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी टैक्स असिस्टेंट परीक्षा 2007 में, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था, आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग। और इसकी जो स्थापना करी गई थी 1867 में मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 14, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, स्वामी दयानंद सरस्वती का रियल नेम क्या था, इनका रियल नेम था मूल शंकर। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या करा था, देखिए इन्होंने 1875 ईस्वी में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी, तथा आप इस लाइन को नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, अगर आपने एग्ज़ाम दिया है कॉम्पिटिशन्स का तो आपको अच्छे से पता होगा कि मैं किसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। मैं बात करने जा रहा हूँ वेदों की ओर लौटो, रिटर्न टू वेद, वेदों की ओर वापस लौटना चाहिए। ये बात किसने करी थी,
ये नारा किसने दिया था, ये स्लोगन किसने दिया था एग्जाम में पूछे, तो आपको याद रखना है स्वामी दयानंद सरस्वती ने। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किसके मुख्य प्रयास से सती प्रथा का अंत हुआ, उन्मूलन हुआ? तो इसका राइट आंसर है राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन नंबर 16, वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त करा गया और किसका योगदान इसमें रहा था? देखिए, हमने जो योगदान पढ़ा अभी पढ़ा राजा राममोहन राय ने, लेकिन एक अंग्रेज था जिसने इस प्रपोजल को अप्रूव करा, तो उनका नाम था लॉर्ड बेंटिंक। दोनों ही महत्वपूर्ण है। भारत की तरफ से कौन रहे थे, भारत की तरफ से किसने पहला प्रयास करा था? राजा राममोहन राय। क्वेश्चन नंबर 15 में हमने देखा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे पूछ रहा है अंग्रेज का नाम, किसने उसको अप्रूवल दिया, किसने इस बात को पूरी तरह से बोला कि हाँ इस चीज़ का उन्मूलन, इस चीज़ को फिनिश कर देना चाहिए, उस गवर्नर का नाम, उसका नाम था लॉर्ड बेंटिंक। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर कि राजा राममोहन राय ने किसके विरुद्ध एक ऐतिहासिक आंदोलन का आयोजन किया था? सती की कुप्रथा। क्वेश्चन नंबर 18, देखिए क्वेश्चन नंबर जो 18 है उसमें है कि कौन शिक्षा कार्यवर्ती की रचना के लिए विख्यात हुआ? तो इसका राइट आंसर है लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले इसका राइट आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 हमसे पूछ रहा है कि गांधी जी ने सांप्रदायिक पुरस्कार का विरोध क्यों किया और इसका रीज़न क्या था? देखिए, हिंदू समाज में मतभेद उत्पन्न कर देगा, उन्होंने इसलिए इस बात का विरोध करा कि सांप्रदायिक पुरस्कार कभी भी हमको नहीं मिलना चाहिए, अगर ऐसा मिल रहा है तो हिंदू समाज में ये मतभेद उत्पन्न करेगा। ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा हमको अजीब सा लग रहा है पढ़ते समय, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि गांधी जी को जो भी फेज रहा है उनका, तो उससे संबंधित एक ना क्वेश्चन आपसे जरूर पूछेगा। ये आप याद रखिएगा, गांधी फेस जो भी रहा था, अफ्रीका से वो कब वापस आए थे, पहला आंदोलन ने कब करा था, असहयोग आंदोलन क्या था और उनकी हत्या किसने करी थी, कब करी थी, और उनसे संबंधित जो भी आंदोलन चलाए गए थे उससे संबंधित एक ना क्वेश्चन पूछेगा। तो मेन मेन जो भी फैक्ट हैं गांधी जी से संबंधित एग्जाम देने अगर आप जा रहे हैं तो वो फेज, वो टॉपिक आप जरूर स्टडी करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का फेलो बनने वाला सबसे पहला भारतीय कौन था? फेलो बनने वाला सबसे पहला भारतीय कौन था? उसका नाम था एस सी वाडिया। और ये सबसे पहले भारतीय बने थे, कब बने थे? 1837 में, 1837 में। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से वह आयोग कौन सा है जिसने सबसे पहले भारत में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया? कौन सा आयोग था जिसने सबसे पहले माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षा, इन दोनों पर उन्होंने फोकस करा, उस आयोग का नाम क्या था? उस आयोग का नाम था चार्ल्स आयोग। याद रखिए आयोग का नाम चार्ल्स आयोग। क्वेश्चन नंबर 22, यंग बंगाल आंदोलन, कभी यंग, कभी कभी आपको ये अंग की मात्रा देगा एग्जाम में, क्वेश्चन पेपर में, कभी कभी नहीं देता, कभी कभी बोलता है यंग बंगाल आंदोलन, कुछ भी पूछे एग्जाम में, कभी कभी छोटी सी मिस्टेक वो कर देता है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। हर तरह से क्वेश्चंस को माइंड में बना के देखिए, क्वेश्चंस किस तरह से पूछ सकता है, ये स्किल्स अपने अंदर डेवलप करिए। इस नेता का नाम क्या था, नेता कौन था? ये नेता थे हेनरी विवियन डेरोजियो, और इनको कुछ और भी नाम से जाना जाता है, इनके अन्य नाम भी है जिस नाम से ये भारत में विख्यात हुए। देखिए, इनको आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रकवि कहते थे, किसको? हेनरी विवियन डेरोजियो को, और इनको भारत का मोजिनी भी कहते थे या भारत का मैजिनी भी कहते थे, ठीक है। हर तरह से याद करिएगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रकवि की संज्ञा किसको दी गई थी, आपको चार ऑप्शन देगा जैसे ए बी सी डी क्वेश्चन नंबर 22 में दिए हैं, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर होगा, इसका नाम आप याद रखिए क्या था। क्वेश्चन नंबर 23, सर्वोदय का आशय क्या है? एक्चुअली सर्वोदय का हिंदी में सही अर्थ क्या होता है? सर्वो का मतलब होता है सब, ठीक है, उदय का मतलब होता है उदय, सबका उदय, इसका सबका उदय जो हमको इसका लॉजिक पता चल गया, इसमें से क्या ऑप्शन होगा चूज करिए, सबका उदय संपूर्ण क्रांति नहीं हो सकता, असहयोग नहीं हो सकता, अहिंसा नहीं हो सकता, इसका राइट आंसर क्या होगा?
सबका उत्थान, सबका उदय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे, ठीक है। इसके संस्थापक थे सर विलियम जॉन्स। इन्होंने स्थापना कहाँ करी थी, कलकत्ता में, और कब करी थी, 1784 में। ये ग्रीन पेन से हाईलाइट कर रखा है, ठीक है, 1784 में कलकत्ता में। लिखिए नोट्स में, सर विलियम जॉन्स ने रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना करी। अगला क्वेश्चन, सर बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी जो 1784 के प्रवर्तक कौन थे। देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया इसने, प्रवर्तक कौन थे लिखा, अब इसने ये नहीं लिखा कि संस्थापक कौन थे या स्थापना किसने करी, इसने यूज़ करा है प्रवर्तक, तो इसका भी राइट आंसर होगा सर विलियम जॉन्स। देखिए ज़्यादा गैप नहीं था, 1999 में, 1999 में क्वेश्चन पूछा गया, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दिया, और 2001 में ये अगेन MTS एग्ज़ाम में पूछा गया। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि देखिए ये क्वेश्चन अगर MTS में पूछा गया तो आपके SSC CGL में नहीं पूछा जाएगा। GK के क्वेश्चंस का कोई लेवल सेट नहीं होता, वो मैथ नहीं है कि मैथ में अगर एडवांस मैथ का ट्रिग्नोमेट्री पूछी जाएगी तो CGL में पूछी जाएगी, MTS एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाएगी। MTS का लेवल थोड़ा सा ईजी रहेगा। आप GS में ईजी टफ कैसे डिसाइड कर सकते हैं, ज़रा मुझे ये बताइए, ठीक है। GS में तो आपको मैक्सिमम टॉपिक रीड करने करने हैं, चाहे वो CGL के एग्ज़ाम में पूछे गए हों, LDC के एग्ज़ाम में पूछे गए हों, या फिर किसी MTS के एग्ज़ाम में, ठीक है। हाँ, आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, आपको UPSC का मेंस का भी एग्ज़ाम देने नहीं जा रहे हैं कि आपको इतना डिटेल में पढ़ना है कि बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जब हुई थी, जिन्होंने करी थी, उनका जन्म कहाँ पे हुआ था, उनकी क्या क्या खास बातें थी, तो ये आपको स्टडी नहीं करनी है, डीप में नहीं नहीं जाना है। बट इतना व्यू पढ़ना है कि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछेगा तो हम उसका राइट आंसर देकर आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 26 की ओर। थियोसोफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना मुख्य कार्यालय स्थापित करा था, तो ये स्थापित करा था 1882 में अंडयार में। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में 19वीं शताब्दी का पुनर्जागरण निम्नलिखित में से किस वर्ग तक सीमित था, और ये वर्ग था केवल उच्च मध्यम वर्ग तक। क्वेश्चन नंबर 28, 19वीं शताब्दी में सबसे पहले शुरू किया जाने वाला सुधार आंदोलन कौन सा था, जो आंदोलन की शुरुआत करी गई थी कौन सा था, उसका नाम था ब्रह्मा समाज, और सबसे पहले राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्मा समाज आंदोलन की शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय गवर्नरशिप के प्रभुत्व में पारित हुआ था, ये थे लॉर्ड कर्जन। याद रखिएगा, लॉर्ड कर्जन ने 1904 में के काल में ये पारित करा था, ठीक है। इनका काल क्या था, 1899 से लेकर के 1905 तक का इनका कार्यकाल रहा था, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये रहा 1899 से 1905 तक का इनका कार्यकाल रहा था, और इन्होंने ये पारित करा था भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। आज के इस वीडियो में बस केवल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो होगा पार्ट 4, ये था मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 3। पार्ट 4 में हम बात करेंगे उपनाम कथन और पुस्तकें, किसने कौन सा कथन करा, किसकी रचना थी, वगैरह वगैरह। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, आपके जो भी फ्रेंड कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को शेयर करिएगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करने के तुरंत बाद आपको उसके साइड में दिखाई देगा बेल आइकन, उस बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अगर आप बेल आइकन पर क्लिक करते हैं तो इस चैनल पे जो भी वीडियो अपलोड होंगे उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाएंगे, अगर बेल आइकन पर क्लिक करते हैं तो। देखिए ये थे कुछ बेसिक क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस। ये बुक चाहे तो आप मार्केट से परचेज कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन पे मैं इसका लिंक दूंगा, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि वीडियो के माध्यम से आपकी स्टडी बहुत अच्छी होती है तो वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर घटना चक्र की प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, वहाँ से आप वीडियो वॉच कर सकते हैं। इस बुक को ख़त्म करने में थोड़ा समय ज़रूर लगेगा, लेकिन ये बुक बहुत जल्द ख़त्म होगी। अगर आपका MTS का एग्ज़ाम है, मात्र बचे हैं 20-25 दिन, या फिर आपका CPO का एग्ज़ाम है जिसमें बचे हैं मात्र अभी 40 दिन या 50 दिन, अगर आपको सेल्फ स्टडी करनी है, टाइम काफ़ी कम है, तो इस बुक को आप परचेज कर सकते हैं। इसी के साथ लेता हूँ आपसे अलविदा, मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ में। बाय बाय, टेक केयर, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।